हाय एवरीवन, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% बैठेंगे। सीएम नीतीश का बड़ा बयान। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद द्वारा दिन प्रतिदिन ट्वीट किया जा रहा है। इन्होंने कल ट्वीट किया था, एग्ज़ाम रोकना और अयोग्य ठहराना दोनों अलग अलग बातें हैं। जिस प्रकार से सीटेट, केवीएस इन सभी परीक्षाओं में सुप्रीम कोर्ट का इफेक्ट पड़ रहा है, हमें नहीं लगता है कि बिहार हमारे देश का हिस्सा नहीं है, हमारे देश का राज्य नहीं है, इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तब ये लोग क्यों गुमराह कर रहे हैं? कल कुछ बच्चे सचिवालय गए थे लिखित आदेश के लिए कि उनको अगर बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जा रहा है तो इनका रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए। इस पर सभी कर्मचारियों ने चुप्पी साध ली, ये क्लियर नहीं बता रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि एग्ज़ाम दीजिए और कोर्ट जाओ। इनका सीधा सीधा कहना है कि आप लोग परीक्षा दीजिए और कोर्ट जाओ, तो ये लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं। आज नीतीश जी भी शिक्षक भर्ती पे बोले हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, तो आप लोग न्यूज़ वाला वीडियो देख लीजिए किसी का, क्योंकि मैं किसी का वीडियो कॉपी करके नहीं डालता। जो मुझे पता होता है मैं वही फैक्ट जानकारी आपको देता हूँ। अगर आपको कोई जानकारी लेना है बिहार से रिलेटेड या सीटेट से रिलेटेड, जो 20 अगस्त को परीक्षा होनी है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। और बाकी आपको पता ही है कि बिहार शिक्षक भर्ती में आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जिस प्रकार से सीटेट केवीएस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इफेक्ट पड़ रहा है, हमें नहीं लगता है कि बिहार वालों के लिए पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा वहाँ पेपर देकर। आप अदर स्टेट के हैं तो 8 से 10 हज़ार आपका खर्चा होना है, तो आप सोच समझ के पेपर दीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप पेपर देने ना जाइए। डीएलएड वाले हाई कोर्ट पहुँचे थे, इसी के लिए पहुँचे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको आप लागू कीजिए। डीएलएड वालों का यही अपील है कि बिहार में लागू होना चाहिए, जो 24-25 को जो पेपर होना है उसमें बीएड अभ्यर्थी ना बैठ पाएँ, इसलिए ये लोग हाई कोर्ट गए थे वही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।